किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद में राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के साथ है। उनका कहना है कि भाजपा जटपा सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और उन्हें मूर्ख बना रही है। सरकार को अपने 3 अध्यादेश वापस लेने चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो सके। आज किसानों ने ट्रैक्टरों पर चढ़कर बाजारों में जुलूस निकालते हुए दुकानदारों से अपने समर्थन में दुकानें बंद करने की अपील भी की, जिनके पीछे पीछे हरियाणा पुलिस के जवान भी शिरकत कर रहे थे। बाजारों से निकलते किसानों ने बीजेपी दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा दोपहर के समय मेन सदर बाजार में ही सभी ने लंगर खाया। पिछले 6 महीने से कोरोना की महामारी के दौरान आपकी दुकान खुली या बंद वो एक ही बराबर है। ग्राहक तो आता नहीं, बहुत से दुकानदार हैं जो शाम तक बोने भी नहीं करते हैं। पिछले 6 महीने का जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दुकानदारों का क्या हाल है ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको खत्म करने के लिए आए हैं। आपने सोचा भारत की GDP 23.9% नीचे गिर चुकी है, उसके बाद भी कोरोना काल में भी ये किसान भाई अपने खेत में जाके खेती करते रहे, उसकी वजह से खेती की विकास दर इस कोरोना काल में भी 3.4% की वृद्धि के साथ आई है और इसी की वजह से इनकी उत्पादन रेट कम गिरा है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, किसान भाइयों का साथ दो, ये आप ही के बीच में है। मेरे को मालूम है जब फसल की कीमत आने वाली होती है तो आप दुकान पे बैठे हुए किसान भाइयों का इंतजार करते हो कि कब कोई किसान आए और आपकी बोनी कराए। ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, एकजुट हो जाओ, किसान का साथ दो, वरना वो दिन दूर नहीं। आज किसान बेरोजगार हो रहा है, कल को आपकी दुकानें भी बेरोजगार हो जाएंगी, क्योंकि ये अंबानी और अंडानी और कुछ उद्योगपतियों के लिए विशेष तौर पर बिल लाया गया है। ये बिल कहती है कि किसान को दर बदर कर दिया जाए, किसान को नुकसान हो। एक किसानी ऐसी चीज रहती है जिसमें अभी भी संभावना है और बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर अब खेती बाड़ी के ऊपर है, क्योंकि 5 रुपए किलो वाला आलू 500 रुपए किलो भी आप ही को खरीदना पड़ता है। अगर व्यवस्था